रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर आप रिजल्टेंट स्पिन, रिजल्टेंट ऑर्बिटल और रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। देखो भाई, इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें आपने क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम आपने निकाला सीखा था किसका, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के जरिए। अरे भाई, हमारे पास जो क्या थे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स थे, क्या वहां पर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा था क्या? बताओ कैसे आया था हमारे पास, हमारे पास भाई एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपके पास बताओ क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इंटू एल प्लस वन का अंडर द रूट एच अपॉन टू पाई आया था ना आपके पास भाई, यहां से आया करता, जहां पर एल क्या आया करता आपके पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सिमिलरली क्या था हमारे पास भाई, एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई से क्या था हमारे पास, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का, स्मॉल एस स्मॉल एल है, जहां पर एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का, बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन भाई क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाई, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में तो उस इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, वही सिस्टम का होता है भाई, वन इलेक्ट्रॉन एटम्स में तो क्या होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन का जो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, वही क्या होगा हमारे पूरे सिस्टम का। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, वहां पर तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में क्या होगा, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आपने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट करना होता है, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बताएंगे, ठीक है बात। तो भाई इस चैप्टर को हमने बांटा भाई, टोटल बताओ कितने सेक्शन में, चार पार्ट्स में। पहला क्या आपका, कंसेप्ट ऑफ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, फिर क्या आपका, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, सॉरी रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब भाई क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो हम बताओ क्या करेंगे, हम भाई यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बताओ भाई पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये किससे आएगा, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग से। फिर क्या होगा, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये किससे आएगा, स्पिन स्पिन कपलिंग से। फिर क्या आएगा आपका भाई, रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम ये किससे आएगा, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग से। ओके, तो पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मानो दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही कहाँ हैं, पी में। अरे पी सब शैल में भाई, पहला इलेक्ट्रॉन भाई हमारे पास किस सब शैल में है, मेरे पास कॉन्फिगरेशन बताओ क्या, मेरे पास मान लिया पी वन एंड पी वन, मेरे पास कॉन्फिगरेशन क्या भाई, पी वन एंड पी वन कॉन्फिगरेशन है, ठीक है बात। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना है। अरे भाई कैसे आएगा, हमारे पास हमको पता है एल इंटू एल प्लस वन का अंडर द रूट एच अपॉन टू पाई से आएगा ना मेरे पास। तो बताओ भाई पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या होगा, यहां पर वन पुट करो, रूट टू। अरे भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बताओ भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बताओ क्या आएगा मेरे पास, बताओ फर्स्ट का क्या आएगा मेरे पास, नहीं बात आपको पहले पुट रही ना। अरे भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बताओ क्या आएगा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, रूट टू आ जाए, क्यों, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन प्लस वन रूट टू एच अपॉन टू पाई, क्या मान लो यूनिट, क्या मान लो भाई, रूट टू यूनिट आ गया ना मेरे पास। और दूसरे का भी क्या है, अच्छा पहले का एल कितना है, एल कितना है पहले का एल कितना है, वन, मोमेंटम क्या है इससे, रूट टू, ठीक है।
दूसरे का उत्तल कितना है, दूसरे का एल कितना है, उसका भी वन है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, एल वन है ना, इसका भी एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, रूट टू यूनिट ही आएगा, इजंट इट। तो मैं आपसे पूछूं भाई, इस एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, रूट टू, इसका भी क्या है, रूट टू, लेकिन इन दो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एंगुलर मोमेंटम क्या होएगा, हमने वो निकालना है भाई, बताओ तुम क्या करेंगे भाई। देखो अब आप ही बताओ कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर होता है ना भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर आपको होता है, मैं मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर प्रॉपर्टी होता है, और वेक्टर आपको ऐड करने आते हैं, अरे भाई एक डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही हैं, अगर मान लिया भाई एक गाड़ी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10, बोलो भाई, और मान लिया भाई जो मेरा भाई है संदीप भाई वो भी फोर्स लगा रहे हैं 10, तो गाड़ी के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग जाएगी, 20, सिंपली ऐड हो जाएंगे भाई, isn't it? तो सिमिलरली आप भाई आप इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका जो मोमेंटम है रूट टू, ये स्पेस में कितने तरीके से ओरिएंट होएगा, तीन तरीके से, मैंने आपको भैया पढ़ा रखा है इन स्पेस क्वांटाइजेशन ना। तो मानो ये तो क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रूट टू, ये लेंथ कितनी है रूट टू, और जेड से ये कितने एंगल पे, बताओ भाई 45 पे, कितने एंगल पे ये, तो जेड में क्या इफेक्ट इसका, ये रूट टू लेंथ है, लेकिन ये लेंथ क्या है, प्लस वन। तो हमको पता है रूट टू वैक्टर 45 पे ओरिएंट हो सकता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का रूट टू एंगुलर मोमेंटम 45 पे ओरिएंट हो सकता है, और बताइए भाई कितने पे, 90 पे, अरे बोलो भाई, और बताइए 135 पे, पता होगा ना आपको भाई 135 पे, isn't it? क्योंकि जब ये रूट टू वैक्टर क्या होएगा, तो हमको पता है ये रूट टू मोमेंटम तीन तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, एक तो स्पेस में 45 डिग्री एंगल पे, एक स्पेस में z डायरेक्शन से 90 एंगल पे, और एक स्पेस में z से 135 एंगल पे, बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ क्या सिमिलर बात ट्रू नहीं होगी, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम स्पेस में तीन तरीके से ओरिएंट कर सकता है, 45, 90 और 135, ताकि z में इफेक्ट क्या रहा है उसका, प्लस वन, जीरो या माइनस वन, तो सेम बात ट्रू किसके लिए होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी भाई, है इजंट इट, दूसरे का भी तो क्या है एंगुलर मोमेंटम क्या है, रूट टू है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकता है, स्पेस में तीन तरीके से ओरिएंट कर सकता है, बताओ कैसे, अरे बोलो भाई कितने, 45 पे, 90 पे और 135 पे, नहीं बात आपको पहले पढ़ी क्या, तो प्लस वन, जीरो एंड माइनस वन, 45, 90, 135, अरे बोलो भाई, तो आप खुद कह रहे हो कि इसका मोमेंटम स्पेस में इस, तो बताओ भाई इसका मोमेंटम z में कितने इफेक्ट रख सकता है, तीन, प्लस वन, जीरो और माइनस वन, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इसका एंगुलर मोमेंटम भी z में कितने इफेक्ट रखेगा, तीन, प्लस वन, जीरो और माइनस वन। अब मैं तो भाई आपको कहोगे कि पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम स्पेस में तीन तरीके से एक्ट करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम स्पेस में तीन तरीके से एक्ट करता है, बात आपको पहले पढ़ रही है, तो वो मोमेंटम भाई आपस में कितने, अब हैं तो वेक्टर वो, तो आपस में वो कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं आपने देखना है। तो आप मुझे बताओ भाई, तो हमारे पास यहाँ पर 9 केस बनते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या बनते हैं, 9 केसेस बनते हैं, समझे बात कैसे, आप बताओ भाई जब पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, प्लस वन, अरे भाई पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितने पे हो, 45 पे, कितने पे, 45 पे, इसका जेड में इफेक्ट क्या है, अरे पहले का क्या है 45 पे, ये इसका जेड में इफेक्ट क्या है, प्लस वन, ये 45 पे है, दोनों के इफेक्ट जेड में कितने, प्लस वन प्लस वन, तो भाई जेड में, तो जब दोनों एंगुलर मोमेंटम दोनों रूट टू 45 पे क्या होंगे, टिल्ट, दोनों रूट टू 45 पे क्या होंगे, टिल्ट होंगे भाई, तो जेड में इनके इफेक्ट क्या होंगे, प्लस वन और प्लस वन, तो Z में दोनों इफेक्ट क्या होंगे, जुड़ जाएंगे ना, तो Z में नेट इफेक्ट क्या आएगा, बताओ भाई तुम क्या बोलोगे भाई,
अरे मैं कह रहा हूँ ये तो क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट, यहाँ क्या है सेकंड के इफेक्ट। ठीक है पहले बताओ भाई, अरे इसको मिटा दूँ क्या, नहीं चलो यहाँ पर लिखता हूँ इसको, नहीं बात आपको पहले पढ़ी ना। अरे भाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले तो, पहला इलेक्ट्रॉन स्पेस में 45, 90, 135 तीन तरीके से यूनिट करता ना भाई ये, +1, 0 एंड -1। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है स्पेस में तीन तरीके से, +1, 0 एंड -1। तो यहां पर अब फर्स्ट का रिकॉर्ड, यहां पर क्या है सेकंड का रिकॉर्ड। तो आप बताओ भाई, तो जब पहले इलेक्ट्रॉन का जेड में इफेक्ट क्या है +1, हो सकता है उस टाइम पे दूसरे का भी जेड में इफेक्ट क्या हो +1 हो भाई, नहीं मैं तब को पहले पढ़ी। तो पहले का क्या है +1, दूसरे का +1, अब पहले का +1 दूसरे का 0, पहले का +1 दूसरे का क्या है -1। भैया तीन पॉसिबिलिटी है मेरे पास, वो तो कौन कौन सी, पहले इलेक्ट्रॉन क्या है +1, +1, +1, 0, +1, -1। अरे बोलो भाई फिर क्या है इसका, 0, +1, 0, 0, 0, -1, फिर क्या है -1, -1, +1, -1, 0, -1, -1। नहीं आपको पहले पड़ी, तो 0, 0, 0, +1, -1, 0, फिर क्या है -1, -1, -1, बोलो भाई +1, ठीक तो है +1, 0, -1। नहीं आएगा आपको ये, बताओ आपको ऐसे सासू नहीं आई। ओके तो भैया, अरे भाई मैं हमेशा इसकी एक एनालॉजी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप ये मानो भाई कि भाई एक घर में दो क्या बोलते हैं बुढ़िया हैं, ठीक है ओके। और ये मानो भाई, अरे भाई एक घर में मानो कि भाई, अरे भाई दो बुढ़िया हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो जो आदमी है वो दो शादियां कर रहा है, ठीक है। ये मानो भाई उनकी जॉइंट फैमिली है, तो घर में भाई जो जो बड़े हैं, दो बड़े आदमी भाई, उनकी जो वाइफ वो साथ ही रहती है, मतलब आपको पहले पड़ गई। तो घर में दो बुढ़िया हैं, तो ये मानो जो पहली बूढ़ी है, ठीक है, उसका स्वभाव तीन तरीके का है। वो या तो क्या करती है, मीठी बोलती है, या वो बोलती नहीं, या वो कड़वी बोलती है। सिमिलरली दूसरी बूढ़ी भी क्या भाई, या तो मीठी बोलती है, बोलती नहीं, कड़वी बोलती है, बताओ आपको पहले पड़ी। तो वो दोनों बुढ़िया उस घर में कितने तरीके से रह सकती है, बताओ भाई, नौ तरीके से। पहले क्या भाई, पहली बुढ़िया मीठी बोले, दूसरी बुढ़िया मीठी बोले, पहली बुढ़िया मीठी बोले, दूसरी ना बोले, पहली मीठी बोले, ये कड़वी बोले, पहली अब ना बोले मीठी बोले, ना बोले कड़वी बोले, दोनों भाई क्या हो, बोले ही ना, बस आपको पहले पड़ी, ये बुढ़िया है, बोलो भाई, पहली बुढ़िया कड़वी बोले, दूसरी बुढ़िया मीठी बोले, समझो। तो बोले भाई हे बेबी कोई बात ना, ऐसे लड़ाई मचे। तो -1, तो भाई ये कड़वी बोले, ये ना बोले, और ये देखो सबसे धमाका, दोनों बुढ़िया भाई, हाँ दोनों बुढ़िया कड़वी बोले भाई, -1, -1, मतलब आपको पहले पड़ी। तो घर में वो कितने तरीके से रह सकती हैं, नौ तरीके से, समझ गए बात। तो नौ तरीकों को आप भाई, तो आप इनके क्या करो, वही रिजल्टेंट बताओ, वो नौ तरीके बताओ कौन से होंगे। पहला कौन सा होगा, तो बताओ ये क्या है भाई, ये क्या है स्मॉल एल जेड, ये क्या है भाई, पहले इलेक्ट्रॉन के एल जेड है ना, ये तो क्या है भाई L1Z, ये बताओ क्या है L2Z, ये तो क्या है, अरे भाई ये तो क्या है पहले इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है दूसरे के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जेड इफेक्ट। अरे भाई अगर आपको स्मॉल एल पता था, ये क्या है +1, -1, +1, 0, -1, क्या है स्मॉल L1Z, क्या है स्मॉल L1Z नहीं क्या, isn't it, बोलो भाई। तो बताओ भाई, तो क्या, तो आप बताओ ये क्या है, ये पहले इलेक्ट्रॉन का जेड में कंपोनेंट है, ये क्या पहले का जेड में कंपोनेंट, तो इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम का जेड में क्या आएगा कंपोनेंट +2। तो ये यहां पर क्या है LZ, ये क्या है भाई LZ आएंगे मेरे पास, क्यों, ये +1 क्या है, ये स्मॉल LZ, ये क्या है भाई स्मॉल LZ। अरे भाई LZ1 कितने हैं, +1, 0 और -1 है ना, और दूसरे का LZ भी कितने हैं, +1, 0 और -1 है। तो ये तीनों आपस में कितने तरीके से, नौ तरीके से, दिस, अरे बोलो भाई, isn't it। तो आप खुद सोचें कि भाई, तो ये क्या है स्मॉल LZ, ये क्या है कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
सॉरी कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड। तो अगर आपने कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोमेंटम, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड जोड़ दिए तो आपके पास क्या जाएगा, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स जोड़ोगे क्या आएगा, कंपोनेंट्स ही आएंगे, आएंगे ना मेरे पास कंपोनेंट्स। तो ये मेरे पास क्या आगे, कंपोनेंट्स अलोंग, कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये मेरे पास क्या आगे, कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बताओ क्या है मेरे पास, जोड़िए इनको, प्लस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन माइनस टू, आगे ना। तो ये मेरे पास आगे एल जेड, आगे ना एल जेड भाई, फिर समझे बात। तो ये क्या है, ये क्या है बताओ भाई, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट्स, ये क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट। अच्छा एल वन एल टू क्या है, एल वन एल टू क्या है, इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन को बताने वाले काउंटर नंबर। तो अब देखो आप ये रूटीन देखो, मैंने क्या किया है, मैंने इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन को बताने वाले क्वांटम नंबर से, इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन को बताने वाले क्वांटम नंबर से मैंने क्या निकाल लिए, इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन के जेड कंपोनेंट, है ना। फिर इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन के जेड कंपोनेंट्स जोड़ जोड़ के मैंने क्या बना लिए, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन के जेड कंपोनेंट। और जब आपके पास क्या आ गए, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन के जेड कंपोनेंट आ गए, तो यहां से आप क्या निकालो, कैपिटल एल, कैपिटल कैपिटल कैसे बनता है, देखो तो आपको अगर क्वांटम नंबर पता हो ना, आप कंपोनेंट पता होते हैं, क्वांटम नंबर दो कंपोनेंट क्या होंगे, प्लस टू से माइनस टू, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, क्वांटम नंबर पता है तो क्या पता होते हैं, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स पता हो तो क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर एक है कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्लस वन जीरो माइनस वन, क्वांटम नंबर तीन है कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो आपको क्वांटम नंबर पता हो तो आप कंपोनेंट निकाल लेते हो, और कंपोनेंट पता हो तो क्वांटम नंबर हम निकाल सकते हैं ना भैया। तो यहां पर कंपोनेंट आपको पता रहे कि नहीं पता, बताओ यहां पर कैपिटल एल क्या आएगा, यानी कि भाई इसकी रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर क्या आएगा मेरे पास। तो आप एक काम करो, इसकी सीरीज बनाओ, क्या बनाओ, इसकी सीरीज, इसमें हाईएस्ट कंपोनेंट चूज करो, बताओ कौन सा है हमारे पास, प्लस टू, तो प्लस टू से माइनस टू तक चूज करो भाई, एक के डिफरेंस पे, तो प्लस टू प्लस वन जीरो, तीन तो ये आ गए, और पूरा करो इसको, माइनस वन माइनस टू, अरे भाई बताओ एक सीरीज में कौन आ गया, एक सीरीज में कौन आ गया हमारे पास, प्लस टू प्लस वन, प्लस टू प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू, आ गया ना मेरे पास। अब बताओ कौन बच गया हमारे पास, इनका आप बताओ क्या हो जाएगा, एक सीरीज बन जाएगी इनकी, कि नहीं बन जाएगी सीरीज इनकी, एक और बताओ क्या सीरीज आएगी इनकी, ये एल जेड हमारे पास, एक बताओ एल जेड की सीरीज क्या बन गई मेरे पास, प्लस वन जीरो माइनस वन, और एक हमारे पास ये अलग से बच गया भाई, एक सीरीज क्या बच गई मेरे पास, जीरो। तो मेरे पास भाई क्या थे, पाँच और तीन आठ, और एक नौ कंपोनेंट थे ना भाई, दोनों जो बुढ़िया थी नौ तरीके से इंट्रैक्ट कर पा रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन नौ तरीके से क्या कर सकती हैं, इंट्रैक्ट, और दस तरीके सॉरी नौ तरीके से, तो नौ में से क्या हो गए, पाँच की क्या एक सीरीज, तीन की एक और एक की एक है, तो यहाँ से एल क्या आएगा बताओ भाई, अगर कैपिटल एल जेड प्लस टू से माइनस टू है तो कैपिटल एल क्या आएगा, पूछ आप बताओ कैपिटल एल क्या आएगा इसके लिए, टू, बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई, हाँ बताओ क्या आएगा कैपिटल एल, एक, और यहाँ आएगा जीरो। तो बताओ भाई हमारे पास क्या आ गया, तो आपको क्या निकालना आ गया, बोलो भाई आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको भाई रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना आ गया, नहीं आ गया, क्यों आया भाई कॉन्सेप्ट इसका, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, ओके। तो अभी देखो भाई, अरे मैंने विषय कर दिया, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग, बताओ भाई बताओ क्या है हमारे पास ये, बोलो भाई। अच्छा देखो इनको निकालने के दो तरीके होते हैं, आप इनको ऐसे भी निकाल सकते हो, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है प्रिसाइज तरीका, ये तो बताओ क्या हमारा प्रिसाइज तरीका है भाई, कि मैंने क्या किया,
हमने स्मॉल एल से हमने क्या निकाले, स्मॉल एल जेड, फिर स्मॉल एल जेड हमने जोड़ दिए जितने तरीके से वो जुड़ सकते थे, क्या बना लिए कैपिटल एल जेड, और कैपिटल एल जेड से फिर हमने क्या तैयार कर लिए कैपिटल एल। एक तरीका भैया भी होता है इसका, तो एल हमारे पास क्या है तो बताओ, तो हमारे पास एल वन क्या था वन, एल टू भी क्या था मेरे पास वन, तो मेरे पास कैपिटल एल क्या है बताइयो, दो एक जीरो आए ना भाई, ये ऐसे भी तो आता अगर मैं इनको जोड़ देता, तो कैपिटल एल निकालने का एक तरीका बताओ क्या होता है, एक तरीका ये होता है इसका भाई कि आप सिंपली क्या करो, कंपोनेंट यूज ना करके रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन को बताने वाला काउंट नंबर कैसे जाएगा, कैपिटल एल आप सीधे भी निकाल सकते हो, कैसे एल वन प्लस एल टू से लेके मोड में एल वन माइनस एल टू, तो क्या था एक और एक, एक प्लस एक, एक माइनस एक, क्या गया हमारे पास दो और जीरो एक, नहीं बताओ आपको पलिपड़ी भाई, तो आपको रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन निकालनी है आपको, अरे भैया आपको रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन का क्वांटम नंबर आपको मालूम होगा, और क्या चाहिए क्वांटम नंबर तो चाहिए भाई, तब देखो हम कैसे इंडिविजुअल तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में कैसे रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन तैयार करते हैं, आ गया आपको समझ में, बताओ भाई नहीं आ रहा आपको ये, अच्छा तो भाई अच्छा डी वन के लिए बताइए किसके लिए, अच्छा बताओ भाई डी वन और नहीं ये तो होगा, अच्छा बताओ, अच्छा ये मैंने आपको आपको कौन सा बताया बताओ भाई पी वन वाला, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ना डी वन वाले के लिए इसको और सॉल्व करो, किसके लिए डी वन वाले के लिए, तब बताओ क्या आएगा, अब आपने पढ़ना भी बताओ किसके लिए थ्री, अरे डी वन के लिए, अगर अब और इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ भाई कि सेम बात आप प्रूव करो किसके लिए बताओ बताओ, अरे डी वन के लिए मैं कहूँ भाई, अरे मैं कहूँ भाई थ्री डी वन, मैं कहूँ थ्री डी वन एंड फोर डी वन है कॉन्फ़िगरेशन, क्या भाई हमारे पास थ्री डी वन एंड फोर डी वन कॉन्फ़िगरेशन है, ओके यानी डी वन कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लिए क्या निकालो भाई मुझे आप रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन कैलकुलेट करके बताओ भाई क्या आएगी हमारे पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल, मतलब रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन के आप क्या निकालो क्वांटम नंबर्स, तो दोनों रूट हमारे पास, एक तो बताओ क्या हमारे पास भाई बताओ कैपिटल एल कैसे जाएगा एल वन प्लस एल टू से लेके एल वन माइनस एल टू, बहुत आसान है भाई, इसका एल वन कितना है दो और एल टू भी कितना है दो, तो दो प्लस दो से लेके दो माइनस दो क्या आएगा चार तीन दो एक जीरो, आ गया ना हमारे पास भाई, तो मेरे पास क्या आ गई रिजल्टेंट ऑर्बिटल, मेरे पास इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन से मेरे पास क्या आ गई रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन, मेरे पास वो काउंटर नंबर आ गया, तो क्या बताएंगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आसान है ना भाई, और इसको प्रॉपर रूट से बताएं तो इसमें तो आपको इसमें, अरे बोलो भाई चेक करो इसको प्रॉपर रूट से देखो, पहले यहाँ पर क्या लिखो, पहले यहाँ पर क्या लिखो अरे पहले बताओ भाई अगर L1 कितना है 2, तो L1Z क्या होंगे बताओ प्लस 2 प्लस 1 जीरो माइनस 1 माइनस 2, और L2Z क्या होंगे बताओ प्लस 2 प्लस 1 जीरो माइनस 1 एंड माइनस 2, तो आपस में बताओ भाई ये दोनों कंपोनेंट आपस में कितने तरीके से ऐड किए जा सकते हैं बताओ 25 तरीके से, दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस, नहीं बताओ आपको बड़ी बड़ी, अरे भाई पाँच ही और पाँच ही है तो फाइव इंटू फाइव कितना भाई 25, अरे बोलो भाई तो 25 तरीके से क्या कर सकते हैं आप उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमको मालूम भाई वो 25 तरीके आप बताओ भाई, लिखो यहाँ पर बताओ ऊपर क्या लिखो भाई देखो, अरे बोलो भाई बताओ क्या प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, समझे बात प्लस टू, अरे भैया तो क्या है एल वन जेड, इनको जोड़ियो भाई, तो बताओ कैपिटल एल जेड मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर ये लिखो भाई ये क्या है पूरे 25 ही है प्लस फोर प्लस थ्री प्लस, ये मेरे पास क्या भाई कैपिटल एल जेड, ये मेरे पास क्या कैपिटल एल जेड आ गए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या सेटअप करो सीरीज, नहीं समझे बात, तो ये 25 कंपोनेंट हैं, अरे भाई कुछ तो ये हैं और कुछ एक भाई ये आ गए, इनको लिखो भाई, तो 25 में से बताओ 9 की तो क्या होगी एक सीरीज, 7 की क्या होगी एक सीरीज, 5 कंपोनेंट गए एक सीरीज में और 3 कंपोनेंट गए और एक कंपोनेंट गया
एक सीरीज में। तो बताओ भाई इनसे कौन सा, इनसे कैपिटल एल क्या आएगा, इस सीरीज से कैपिटल एल क्या आएगा, चार, वेरी गुड। इस सीरीज से कैपिटल एल क्या आएगा बताओ, तीन, ओके। इस सीरीज से बताओ क्या आएगा, दो। और भाई इस सीरीज से बताओ क्या आएगा, और इस सीरीज से भाई जीरो, आगे ना, तो चार तीन दो एक जीरो, ये वही नहीं आया क्या, अरे भाई ये वही नहीं आया क्या प्रॉपर रूट से। तो मेरे ख्याल से आपको भाई आपको ये कैलकुलेट करना आ गया। अब बताओ क्या है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहां भी भाई, तो यहां तो भाई चाहे पी वन हो चाहे कौन सा भी हो, अरे दोनों के लिए बता बता रहे हो, तो इसको बता रहे आपको, पी वन हो चाहे कौन सा हो, अरे बोलो बता दो इसको, अच्छा बताओ, अब पी वन हो चाहे डी वन हो, अब बताओ स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है पी वन और डी वन के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन का दोनों रूट से निकालो, दोनों रूट से, ये भी ऐसा है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन को बताने वाले क्वांटम नंबर क्या है, स्मॉल एस। तो बताओ भाई एस वन क्या है, हाफ, एस टू कितना है, हाफ, एस वन एस टू क्या है, स्मॉल एस वन एस टू क्या है भाई, अरे भाई स्मॉल एस वन एस टू क्या है, अलग, इंडिविजुअल स्पिन मोशन को बताने वाले क्वांटम नंबर्स। और कैपिटल एस क्या है, रिजल्टेंट स्पिन मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर, इसे क्या आएगा भाई, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बताओ कैसे आएगा हमारे पास, तो क्या करो भाई, सिंपल बात है, एस वन प्लस एस टू से एस वन माइनस एस टू, बताओ क्या है मेरे पास, तो हाफ प्लस हाफ से लेके और हाफ माइनस हाफ, तो वन और जीरो, आगे ना। तो अगर मेरे पास क्या आगे, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आगे, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर आपके पास रिजल्टेंट स्पिन मोशन को बताने वाले क्या है क्वांटम नंबर है, तो आप इनका एंगुलर मोमेंटम आसानी से निकाल सकते हो, इजंट इट। अब बताओ प्रॉपर रूट से बताओ क्या आएगा, अब बताओ पहले, अब बताओ एस वन हाफ है, तो हाफ से कितना मोमेंटम आता है, अरे भाई पहले तो, अरे भाई हाफ स्पिन से पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हाफ है, तो इससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा पहले का, हाफ इंटू हाफ प्लस वन, अरे भाई हाफ इंटू हाफ प्लस वन अंडर दी रूट एच अपॉन टू पाई, क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहां पर हाफ पुट करियो, पॉइंट आठ छः छः आएगा, कितना आएगा हाफ हाफ, कितना आएगा पॉइंट आठ छः छः यूनिट, दूसरे का भी क्या आएगा पॉइंट आठ छः छः यूनिट। और आपको पता भाई पॉइंट आठ छः छः वैक्टर स्पेस में दो तरीके से यूनिट होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन का इसके पास कितना है पॉइंट आठ छः छः, इसके पास भी क्या बनेगा, तो इसका पॉइंट, तो इसके इलेक्ट्रॉन का पॉइंट आठ छः छः स्पेस में कितने कंपोनेंट, तो जेड में कितने फैक्टर रखेगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो बोलो बोलो यहां पर लिखो एस वन जेड, एस वन जेड लिखो, तो क्या होगा प्लस हाफ और माइनस हाफ, एस टू जेड भी क्या होंगे बताओ भाई, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ये तो स्मॉल एस वन जेड, बोलो भाई। अब बताओ ये कितने तरीके से आपस में यूनिट कर, सॉरी इंटरेक्ट कर सकते हैं, चार तरीके से, दोनों क्या हो अप स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो भाई अप स्पिन, अप स्पिन, अप स्पिन, डाउन स्पिन, डाउन स्पिन, अप स्पिन, डाउन स्पिन, डाउन स्पिन, अरे बोलो भाई। तो बताओ, तो एस वन जेड और एस टू जेड इनको जोड़ो, जब पहला इलेक्ट्रॉन क्या हो अप स्पिन, दूसरा भी क्या हो अप स्पिन, पहला अप स्पिन, दूसरा डाउन स्पिन, पहला डाउन स्पिन, दूसरा, पहला दूसरा डाउन स्पिन, टोटल एस जेड क्या आ जाएंगे हमारे पास बताओ भाई, प्लस वन जीरो माइनस वन, सॉरी जीरो माइनस वन। अब ये हमारे पास क्या है, कैपिटल एस जेड आ गया, मैंने क्या किया भाई, मैंने स्मॉल एस वन एस से क्या निकाल लिए, स्मॉल एस वन जेड, स्मॉल एस टू जेड, फिर स्मॉल एस वन एस टू जेड मिला के मैंने क्या बना लिए कैपिटल एस जेड। अब कैपिटल एस जेड से आप बताओ भाई, एक तो क्या सीरीज बन रही है आपको, आपके पास प्लस वन जीरो माइनस वन, एक तो सीरीज ये बन गई, अरे बोलो भाई। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, प्लस वन जीरो माइनस वन क्या आएगा, एस इज इक्वल टू वन
और कौन बचा है सीरीज में? ए जीरो की एक सीरीज बन गई, वहां क्या गया मेरे पास? जीरो, रिजल्ट एट, यही तो आए भाई। तो ऐसे बताओ हम क्या निकाल सकते हैं? नहीं आया ना आपको समझ में? अरे बोलो भाई। और एक होती है, अच्छा इसका इसका मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी का, इसका मतलब भाई, अच्छा कैपिटल एस वन आने का मतलब क्या होता है पता है? कैपिटल एस वन आने का मतलब तो क्या होता है बोलो भाई? कैपिटल एस अगर क्या आ जाए, वन आ जाए, मतलब इसमें क्या बोलेंगे भाई? ट्रिपलेट स्टेट, क्या बोलेंगे इसको? तो टू एस प्लस वन होता है क्या, बताओ क्या? मल्टीप्लिसिटी, यहां पर वन पुट करियो, मतलब टोटल इंटरेक्शन कितने इनके स्पिन मोशन के? चार, तो चार में इसमें क्या बोलेंगे? तीन तो क्या है, एक दो तीन तो क्या है ट्रिपलेट, और एक क्या भाई सिंगलेट इंटरेक्शन, तीन तो क्या है ट्रिपलेट इंटरेक्शन, एक क्या है सिंगलेट इंटरेक्शन, तो टू एस प्लस वन क्या गया यहां पर? तो बताओ एस की वैल्यू क्या है मेरे पास? वन, और जीरो आया है तो टू एस प्लस वन बताओ मेरे पास क्या आएगा? क्या आएगा भाई? तीन आएगा ना, इजंट इट? अरे बोलो, और यहां से तो क्या आएगा मेरे पास? वन आएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? आसान है मुश्किल है? नहीं आया ना आपको समझ? पक्का पहले पड़ गया? मैं आपको एक रूल और बता रहा हूं कि जो मल्टीप्लिसिटी क्या है, जो मल्टीप्लिसिटी होती है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? आप बताओ, अगर मैंने दो अनपेयर्ड है तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? पता है आपको? तीन आएगी, एक है तो क्या आएगी? दो आएगी। पता होगा ना आपको इस चीज का? देखो देखो यहां पर बोलो भाई, मल्टीप्लिसिटी क्या है? तीन और एक आई है। ओके, अरे बोलो भाई, अब यहां पर देखो भाई, अब बताओ अगर अनपेड की, अगर अनपेड तो कितने हैं? जीरो, तो स्पिन क्या बनेगा हमारे पास? जीरो। बताओ मल्टीप्लिसिटी क्या है हमारे पास? ये बता रहा है अगर भाई स्पिन जीरो हो तो क्या आएगी मल्टीप्लिस, अगर स्पिन जीरो हो तो क्या आएगी मल्टीप्लिसिटी? एक। स्पिन हाफ हो तो क्या आएगी? दो। अरे टू एस प्लस वन वाले फॉर्मूले में वन हो तो क्या आएगी स्पिन? इन्हें क्या बोलते हैं? सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट या क्विंटेट स्टेट्स। ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई? रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये बताओ किससे आएगा? बोलो भाई, अब हमें क्या पढ़ना है? रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहूं रिजल्टेंट स्पिन मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर क्या है, मान लिया, नहीं मान लिया, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर क्या मान लिया? L इज इक्वल टू वन है, कितना है? वन है। और S कितना मान लिया? ये भी वन है। समझे बात? रिजल्टेंट स्पिन मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर क्या भाई? वन है। और रिजल्टेंट ऑर्बिटल को बताने वाला क्या है? वन है। समझ गए बात? तो जो रिजल्टेंट क्या है टोटल मोशन, उसको बताने वाला जे निकालो। तो इसका भी वही रूल होता भाई, एक तो जे हम कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल एल एस एल माइनस एस से। बताओ क्या है मेरे पास? बोलो भाई, टू वन जीरो, इजंट इट? आ गया ना भाई? एक तो ये तरीका, दूसरा बताओ क्या है? अगर L1 एक है, अगर L1 क्या, अगर L क्या भाई? वन है, तो LZ क्या होंगे? और भाई SZ भी तो क्या होंगे? प्लस वन, जीरो एंड माइनस वन। बोलो भाई, तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के जुड़ने से क्या बनता है, इंटरेक्शन क्या बनता है? टोटल मोशन क्या होती है भाई? अरे भाई, अगर L1 1 है तो L1Z क्या, तो L अगर 1 है तो LZ क्या होंगे? ये होंगे। S अगर 1 तो SZ क्या होंगे? ये होंगे, isn't it? तो इनको मैं जोड़ दूं कंपोनेंट्स, मेरे पास कहेंगे तो भाई ये कितने तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? नौ तरीके से। तो वो क्या होंगे? JZ। वो क्या होंगे? ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन। ये क्या? कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट स्पिन मोशन। तो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट टोटल मोशन क्या होंगे? जे जेड। तो बताओ भाई, एल जेड, एस जेड, और यहां पर क्या लिखो?
एल जेड क्या लिखो तो बोलो भाई, प्लस वन। भाई एल जेड क्या हो? प्लस वन। ये भी क्या हो? प्लस वन। प्लस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन, जीरो प्लस वन, जीरो 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 माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस वन। ओके बताओ जे जेड क्या आएंगे? तो एल से क्या निकाल लो? एल से क्या निकाल लो? एल जेड। एस से क्या निकाल लो? एस जेड। फिर एल जेड एस जेड के जितने एडिशन पॉसिबल है तो वेक्टर ही क्या भैया? वेक्टर्स नहीं क्या? वेक्टर वेक्टर्स आपस में जुड़ते नहीं क्या? तो जे जेड क्या आएंगे मेरे पास? प्लस टू जीरो माइनस टू। मतलब क्या हो गया? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। आगे ना फिर से नो भाई। तो जे जेड की एक सीरीज क्या आई मेरे पास? तो जे जेड की मेरे पास एक सीरीज क्या आई बताओ भाई? प्लस टू प्लस वन जीरो। अरे भाई प्लस टू प्लस वन जीरो बताओ। प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस माइनस टू एक सीरीज होगी। तो यहाँ से जे क्या आएगा? टू प्लस वन जीरो माइनस वन से क्या बनेगा? जे। और जीरो से क्या बनेगा? अरे बोलो भाई जीरो। यहां से भी क्या है मेरे पास? नहीं समझे बात भाई? तो मैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन भी क्या कह सकता? अरे भाई मैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन से और रिजल्टेंट स्पिन मोशन से क्या मैं क्या निकाल सकता हूँ? रिजल्टेंट टोटल मोशन। इजंट इट आसान है मुश्किल ये? और बताओ भैया ये बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। यहाँ हमने भैया सारी वैल्यू निकाल रखी है मान लिया। बताओ बताओ भाई। अरे बताओ एल की वैल्यू क्या है? अगर जीरो वन टू है। एस की वैल्यू बताओ क्या है? वन और जीरो है। तो हमने सारे इंटरेक्शन यहाँ पर भाई कैलकुलेट करके एल अगर जीरो हो एस वन हो तो जे की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पर मैंने कौन सा पढ़ा है? एल अगर कितना हो तो वन हो, एस कितना हो वन, तो जे क्या आएंगे हमारे पास? दो एक जीरो आ गया ना हमारे पास। सिमिलर और भी सोल्व कर रखे। ओके अरे बोलो भाई। अच्छा ये बताओ भाई, अब बताओ। अरे भाई अब बताओ D1 के लिए क्या बताओ? कैपिटल एल क्या आए थे मेरे पास? मैंने आपको पढ़ाए थे D1 के लिए कैपिटल एल क्या आए थे मेरे पास? चार तीन दो एक जीरो आए थे ना। D1 के लिए कैपिटल एल क्या आए थे मेरे पास? वन और जीरो। तो भैया आप J कैसे निकालोगे? भाई सिंपल तो है, बताओ कैसे? एक बार तो चार, अरे भाई ये एल ले लो और ये क्या ले लो? एस। तो चार प्लस एक से लेके चार माइनस एक तक, फिर चार प्लस जीरो से लेके चार माइनस जीरो तक भाई, फिर तीन प्लस एक से लेके, अरे भाई एल जीरो हो एस वन हो तो जे की वैल्यू क्या आएंगी? सिर्फ एक। नहीं आया क्या? अरे भाई एल जीरो एस जीरो हो तो जे क्या होगा? जब एल है ही नहीं तो जे ही क्या होगा? पूरा। तो एस ही क्या होगा? पूरा जे होगा भाई। तो आगे आ तो गया हमारे पास जे। एल वन हो एस वन हो तो जे क्या आएंगे बताओ? टू वन जीरो। एल टू हो एस वन हो, ये सारे मैंने भाई, अरे मैंने ये फॉर्मूले तो लगाया यहाँ पर, ये सीधे ये फॉर्मूला लगाया मैंने भाई फटाफट। नहीं आना आपको समझ? ये भाई आगे ना आपको आराम से नेक्स्ट। चलो फिर बताओ एक को, फिर एक को मैंने भाई यहाँ पर ये अरे सॉल्व भी कर दिया बकायदा, जिसे मैंने आपको दिखाया था भाई ये। अरे तो इंट्रैक्शन थे ये। अब बताओ क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर? If n represents the number of electrons in an atom or ion, number of unpaired, यहाँ पर क्या है भाई? n क्या शो करता है? number of unpaired electrons, तो इसकी multiplicity क्या होनी चाहिए बताओ भाई? बताओ n plus 1, n by 2, n minus 1 या 2n plus 1? भैया आपने एक बात चेक की थी कि बताओ, अरे भाई नम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बताओ स्पिन क्या होती है? हाफ होती है ना, इजंट इट? अरे भाई मैंने पीछे की क्या, मैंने भाई क्या बनाई थी? टेबल बनाई थी ना, इजंट इट? तो 2s प्लस वन हमेशा किसके किसके बराबर होता? बताओ भाई n प्लस वन के। अब चेक करो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक टेबल थी, देखो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ अनपेयर कितने हैं? यहाँ पर एक है,
तो मल्टीप्लीसिटी तो क्या है यहाँ पर, दो है, अनपेड दो है, बताओ मल्टीप्लीसिटी क्या है, तीन है, अनपेड तीन है, मल्टीप्लीसिटी क्या है, चार है। तो जितने क्या होते हैं अनपेड, मल्टीप्लीसिटी क्या होती है, उससे एक ज्यादा होती है भाई। तो मल्टीप्लीसिटी शुड बी इक्वल टू एन प्लस वन, नहीं आया ना आपको समझ? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा आपको ये? ओके और बताओ भाई, फिर क्या है, नंबर ऑफ वेज इन एंगुलर मोमेंटम विद एल बराबर 4 कैन इंटरेक्ट विद एस बराबर है 5/2। अब क्या है क्वेश्चन भाई, ये बताओ कितने तरीके से अगर किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एल कितना है, अरे भाई किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एल कितना है, 4, और एस कितना उसका 5/2। तो बताओ भाई ये इससे कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब आपसे ये पूछे भाई, क्या ये पूछे कि भाई किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एल कितना है 4, उसका एस कितना है 5/2। तो यार तो आपसे पूछ ले कि बताओ भाई कंपोनेंट बताओ किसके, टोटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट से आपसे पूछ ले भाई बताओ ये आपस में कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो भाई एल से बताओ एल जेड कितने आएंगे, एल से एल जेड कितने आएंगे, बताओ आपको प्लस 4 से लेके माइनस 4। मैं बताऊं भाई कंपोनेंट आते हैं 2l प्लस 1 कंपोनेंट होंगे, कितने होंगे बताओ, 4 से कितने कंपोनेंट होंगे z कंपोनेंट, 4 से z कंपोनेंट आएंगे 9, चेक कर लो बताओ कौन कौन से, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, isn't it। अरे बोलो भाई और माइनस 4 भी आ गया। अब बताओ भाई और 5/2 से तो क्या आएंगे, ये क्या आएंगे 2s प्लस 1 कंपोनेंट आएंगे, क्या आएंगे भाई, स्पिन कंपोनेंट कितने होते हैं 2s प्लस 1, ऑर्बिटल कंपोनेंट कितने होते हैं 2l प्लस 1। नहीं बात आपको पहले पड़ी, बताओ क्या गया मेरे पास, क्या गया भाई 6 आ गया, तो यहां पर भाई 6 आ गया, तो 9 × 6 मेरे पास 54, यानी ये आपस में यानी कि ये दोनों मोशन आपस में 54 तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है, isn't it? कौन सा आंसर इसका 54। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।